हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल आतिफ अहमद भट्ट के साथ जुबैर भाई कराची। आज हम आपको ले जाने वाले हैं कराची की ओल्ड फूड स्ट्रीट बंस रोड, जो कि अब बहुत ही पहले से उम्दा हो गया है, बहुत ही वीआईपी हो गया है। हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे वहां के खाने, ज़बरदस्त खाने। आपको बंस रोड जाने के बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आतिफ भाई बताएंगे बंस रोड की खूबसूरती, और उसके साथ साथ कुछ रोड कुछ उनकी बिल्डिंग्स में जो है वो कलर हुआ है, और बाकी वहाँ पे गाड़ियों को जाना दाखिला मना कर दिया गया है। देखेंगे कि कहाँ पे पार्किंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस वक्त ये रास्ता इन्होंने बंद करा हुआ है, ये हम लोग खड़े हुए हैं सिंस सेक्रेट के पास, यहाँ से जाने नहीं दे रहे। तो अभी शायद ये न्यू पार्किंग एरिया है, हम उस तरफ चलते हैं, सीधा ले लो पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया शायद वहाँ गाड़ी पार्क कर, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कहाँ गाड़ी पार्क होती है, तो जाके पता चलता है कि गाड़ी पार्क करनी कहाँ है। तो गाइस फाइनली हम बंस रोड पहुँच तो गए, मगर पहुँचने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि पार्किंग इन्होंने बंद कर दी है। और ये मैं इस पर खड़ा हूँ फ्रेस्को के सामने, और फ्रेस्को से लेकर सिंस सेक्रेट को जो रास्ता मोड़ रहा है वहाँ तक की पार्किंग बंद हुई है। तो आप इस तरह पार्किंग की यहाँ पर थोड़ी रौनक वाली जगह है, इस साइड पर आप पार्किंग लगा सकते हैं। और हम आपको अब वन बाय वन यहाँ की नमकीन भी चीज़ें दिखाएँगे और यहाँ का मीठा भी दिखाएँगे। तो गाइस ये सामने है मज़ेदार अलीम, और यहाँ वहाँ की मैं इसकी हरी बहुत मज़ेदार है। ये सामने है कैफे लजीज, अगर आप कटा कट के शौकीन हैं तो कैफे लजीज ज़रूर आइए। और ये मौजूद है फूड सेंटर बंस रोड पे, और ये है कराची अलीम, यहाँ की भी अलीम अच्छी है, इनमें नंबर वन है वहाँ, ये मीठे में भी नंबर वन है। ये आप सामने देख रहे होंगे दिल्ली रबड़ी हाउस, इसकी रबड़ी भी बड़ी वीआईपी है। आगे बाबा रबड़ी वाला है, उसकी बाबा की भी, और यहाँ पे ऐसी गुलाब जामुन वगैरह आपको मीठा भी हम दिखाएंगे वन बाय वन, बहुत ही आला किस्म का यहाँ मीठा है। सो गाइस, ये आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये वहीद निहारी और वहीद कबाब दोनों के नाम से मशहूर है। इसके कबाब फ्राई भी बहुत वीआईपी है, और निहारी भी क्या बताऊँ आपको वीआईपी है। और ये सामने आप देख रहे होंगे फ़िश वाला, इसकी फ़िश भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम खाएंगे गोलगप्पे, ये कोने पे गोलगप्पे का ठिया है, इसके गोलगप्पे मैं अक्सर खाता हूँ, आप भी खाओगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आइए हम आपको खिलाते हैं गोलगप्पे। एक ही है दोनों, कितने की प्लेट है भाई? अच्छा 70 रुपये की प्लेट है इनकी। ट्राई करो, बहुत मज़ा आया। चलो मैं खाता हूँ, ज़बरदस्त गोलगप्पे, मज़ा आ गया। और क्या, बहुत सारी चीज़ें खानी है इसलिए एक प्लेट लिए, वरना दो लेते।
कुछ और भी ट्राई करेंगे। दही बड़े इस वक्त हमने ऑर्डर किए एक प्लेट, देखते हैं कि दही बड़े कैसे हैं। मशहूर तो बहुत हैं ये और खाए भी बहुत हैं, लेकिन आज टेस्ट खाता हूँ। आप कैसा खाते हैं? टेस्ट टेस्ट। चलो भाई डबल मसाला। सब रेडीमेड है, ये बना बनाए रखे हैं। पापड़ी भाई हाथ धुले थे भाई? वो भाई सैनिटाइजर यूज कर रहा हूँ मैं। दोरी भाई जबरदस्त अच्छे हैं, मजे के हैं। पैसे पता नहीं कितने के हैं भाई, कितने के हैं भाई? 120 रुपए की प्लेट है, मुझे याद है मैंने 50 रुपए की खाई थी, पता नहीं कब खाई थी। 50 की खाई थी, उन्होंने 120 की कर दी। अगर मेरी अम्मी होती ना वो बोलती मैं घर में बना लूँगी, सारे 120 के सारे बन जाएंगे। भाई फाइनली हमें खाने का मूड हो गया, तो आतिफ भाई बोले कि कैफे लजीज की कड़ाकड़ खानी है। मैंने कहा नहीं, अजमर मटन का मटन खाना। फिर आतिफ भाई कह रहे कि वहीद की निहारी खानी है या कबाब फ्राई खाने है। असल में मसला ये है कि सबके जायके ज़बरदस्त हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि पहले शुरू किया, हमने शुरू जो करा अभी गोलगप्पे और दही बड़े तो हमने खा लिए, वो तो ज़बरदस्त। लेकिन अब हम हर छोटी चीज़ खाने बैठेंगे तो पेट भर जाएगा हमारा। आतिफ भाई कैफे लजीज की कटाकर खाते हैं, खा लेते भाई। क्या कैफे लजीज की कटाकर, वहाँ पे रश भी बहुत लगा हुआ है, वो बहुत टाइम हो गया कटाकर खाए हुए। तो इंशाल्लाह नासिर आज हम खा जाएंगे। स्पाइसी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अस्सलामुअलैकुम। तो पाकिस्तान में ये फर्स्ट फूड स्ट्रीट है जो वहाँ का पाकिस्तान के चारों सूबों में अच्छा खाना मिलता है। और उसके बाद मैंने जापान भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, सऊदी भी गया हूँ, इंडिया भी गया हूँ। यहाँ का खाना जो बंस रोड पे है, कसम खुदा की बहुत भाई सीधी बात है, मैं भी सऊदी आ गया, मुझे बंस रोड बहुत याद आया। हाँ, जब भूख लगती है तो बंस रोड याद आता है। भाई जान यहाँ इसको फूड स्ट्रीट को इतना ओपन करना चाहिए कि दूर के लोग यहाँ आना चाहिए। ये माहौल कैसा लग रहा है आपको? कसम खुदा की बहुत बर्गर फैमिली आ रही है, उसके अच्छे लोग आ रहे हैं और अच्छे हजरात आ रहे हैं। कसम खुदा बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आप भी आइए, ट्राई कीजिए। यार जायका ज़बरदस्त था, लेकिन हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, हमने इसमें ना चापे डलवा ली और चापे थोड़ी कॉस्टली पड़ गई हमें। तो कोई बात नहीं, होता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। बंस रोड जो आपको हमने पूरा दिखाया, अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हम 500 रुपये में क्या क्या खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।